साथ ही मैं धन्यवाद देता हूं आजमगढ़ सिविली कॉलेज के उन छात्र नेताओं का जिन्होंने आज अपनी मेहनत की बदौलत और देश के संविधान को बचाने के लिए दिन रात एक करके आजमगढ़ में क्रांति लाने का काम किया है। मैं अपने छात्र नेताओं भाइयों का बहुत 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 धन्यवाद देता हूं। साथ ही प्रशासन शासन और इस सत्ता और सरकार को हम लोग चेतावनी देना चाहते हैं आज इस धरना और प्रदर्शन के माध्यम से कि आप जिस प्रकार से इस देश में भारतीय संविधान को समाप्त करने के लिए और संघ के एजेंडे को लागू करने के लिए कहीं न कहीं आपके मन में यह है कि इस देश को हम मनुस्मृति के अनुसार चलाएंगे, तो मैं कान खोलकर आप सुन लीजिए कि केवल यहां मुसलमान भाई नहीं बैठा हुआ है, यहां हमारे समाज का यादव चवार कुहार लोहार गरीब नाखून में घरे मुजहर पासी भी आपके बीच बैठा हुआ है। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी लड़ाई में हमारी जो समाज है आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर और सबसे पहले अपना बलिदान देने का काम करेगा। साथियों अब डरिएगा मत, हम आपके साथ है, ये भारत का नौजवान आपके साथ है, जादव समाज आपके साथ है, कुल्ली समाज आपके साथ है, राजभर समाज आपके साथ है। कृपया आपकी बहन आपकी बेटी समय माइक पर है, देश की बेटी माइक पर है। मैं गुजारिश कर रहा हूं कि आप लोग शांति बनाए बैठ जाएं, सुने यहां से। मैं हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश कर रहा हूं, आपसे गुजारिश कर रहा हूं, कहिए तो आपके पैर आकर छू लूं मैं। आपसे गुजारिश है आप बैठ जाइए, शांति बना लिए, बात सुनिए इसको। जो आदमी हमसे कहूँ तो सारी कह रहा है अब उसे नहीं।